हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम इन फ्रंट ऑफ यू विथ सम न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स एज यू नो द एलिमेंट्स have the isotopes having same atomic number but different in their mass number। isotopes में atomic number परमाणु संख्या बराबर होती है, जबकि उसके mass number द्रव्यमान संख्या डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। उसी बेसिस पर हम आपको समझाने जा रहे हैं कि हाउ टू कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन आइसोटॉप्स और एनी ऑफ द एलिमेंट्स देयर आइसोटॉप्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप ब्रोमीन की आइसोटॉप्स की एटॉमिक मास निकालना जान जाते हैं तो किसी भी एलिमेंट की एवरेज एटॉमिक मास आप निकाल सकते हैं। हियर द क्वेश्चन इज टू कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन आइसोटॉप्स। एज यू नो ब्रोमीन ऑकर इन आवर नेचर in two types of isotopes। One is 35 Br 79 and other isotopes of bromine is 35 Br 81। According to question, if abundance of Br 3579 isotope is 49.7% and other isotopes of Br 3581, their abundance is 50.3%। तो आप किस प्रकार से ब्रोमीन की आइसोटॉप्स निकाल सकते हैं। एज यू नो मास ऑफ द Br 3579 आइसोटॉप्स इज 17.9 U एंड एबंडेंस इज 49.1%। एंड द मास ऑफ Br 3581 आइसोटॉप्स इज 81 U एंड एबंडेंस इज 50.3%। According to term A, here 35 Br 79, it indicates 35 is the atomic number that is equal to proton's number, that is 35. A1, it indicates the mass of the bromine, that is 79, hence we can calculate n equal to 79 minus 35 equal to 44. Another isotopes of bromine in terms B, Z equal to P equal to 35 and A2 equal to 81. Therefore, n equal to 81 minus 35, that is 46. Now, here आपके सामने हम फिर से आइसोटॉप्स को डिफाइन करते हैं। आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट इंडिकेट्स अबाउट द सेम इन एटॉमिक नंबर
and their mass number is different. किसी भी एलिमेंट की आइसोटॉप्स में परमाणु संख्या बराबर होती है, जबकि उसके परमाणु द्रव्यमान डिफरेंट होते हैं. एज यू नो डैट एवरेज मास एटमिक मास ऑफ ब्रोमीन डैट इज फॉर्मुलेटेड एज एटॉमिक मास इनटू परसेंटेज एबंडेंस फॉर हियर यू हैव स्टडी अबाउट 49.79% बाय 100 प्लस. फिर हम दूसरे टर्म आइसोटॉप्स में चले जाते हैं, तो यहाँ पर ए टू डैट इंडिकेट्स 81, ए टू एम इंटू परसेंटेज एबंडेंस बाय 100 एज कैलकुलेट इफ यू देन गेट ए वन एम डैट इज 79 इंटू एबंडेंस परसेंटेज डैट इज 49.7 बाय 100 प्लस ए टू एम डैट इज 81 हेयर डैट इज इंटू 50.3 अपॉन 100 मल्टीप्लाई द एबव नंबर्स देन वी गेट 3926.3 अपॉन 100 प्लस मल्टीप्लाइंग द सेकेंड टर्म 81 एंड 50.3 देन वी हैव 474.3 अपॉन 100. Now, if we calculate this number, then it produces 3.3.6, 10, 10, 10, and 8. Br average mass equal to 80.006 U. That is 80 U approx. The average mass of bromine isotopes is 80 U approx. इससे पहले एक बात और कि अगर ये जो वीडियो और ऑनलाइन क्लासेज हैं अच्छी लगी होगी तो निश्चित सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे. सब्सक्राइब करने का मतलब होता है कि अगर हमारी नेक्स्ट वीडियो बनती है तो वो अपने आप आपके सामने आपके लैपटॉप पर मोबाइल पर चली जाएगी. और शेयर और लाइक अवश्य करें. इस तरह से हम किसी भी आइसोटॉप्स का एटमिक एवरेज एटमिक मास
इसी तरह से निकाल सकते हैं। हमारा जो यहाँ पर डिफिनेशन था, फार्मूलेशन, वह फार्मूलेशन था एटमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप्स इनटू एबंडेंस परसेंटेज एबंडेंस बाय 100 प्लस एटमिक मास ऑफ सेकेंड इनटू परसेंटेज एबंडेंस बाय 100। इसी तरह से आप उसके वैल्यू को पुट करके किसी भी एलिमेंट के आइसोटॉप्स का आप एवरेज मास निकाल सकते हैं। थैंक यू टू यू एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट, निश्चित रूप से इसे सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको समय पर फिर दूसरा वीडियो मिलता रहेगा।